भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही है और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वो उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं वो मैं उदाहरण हूं। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा संविधान सभा चलता रहा। परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं किया
जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत वो स्टक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि ये महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। 2026 में ये आर्टिकल 82 पढ़िए, संविधान को जो है पढ़िए, जो संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे। और ये आर्टिकल 82 कह रहा है, ये 82 कह रहा है। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी, मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधान परिषद विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती है कि हमारा बिल है, ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है। और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की। और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। इस पार्लियामेंट में दो बार, संजोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया, अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाथ जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर। 2011 और 2013 में दो भयंकर घटना हुई इसी वेल में। 2011 में जब 2010 में यह बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी वेल में पीटा सर। दो बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर, यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में इसी लोकसभा में सर सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे बिलास बुतेवार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते, आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की। और उसी दल के साथ
उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे इनके सारे मुस्लिम एमपी हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रही है सर, और उन्हीं के दबाव में ये कानून के विरोध में जाकर, इस संविधान के विरोध में जाकर, और उसके सारे उदाहरण है कि 96 से लेके आज तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण ये कभी ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं, विधान परिषद में क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया उसकी बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा। इनको सब कुछ पता है, ये देश संविधान से चलता है, हम संविधान सम्मत काम करते हैं, और मेरा सबों से आग्रह होगा कि दल पार्टी से ऊपर उठकर जो ये संविधान आर्टिकल 82, 443D और 243T जिन आधार पर यह संविधान चलता है उसके आधार पर বাংলা বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের আপডেট পেতে বেল আইকনটি অন করুন।